सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं वैगाटोर बीच पर गया था और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था सनराइज़। उसके बाद हमने उस होटल को छोड़ दिया। वो बेसिकली एक 3 स्टार होटल था जो कि मेरे नज़र में एकदम सोसो था, उतना मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन अभी जिस मैं रिजॉर्ट में आया हूँ दोबारा से, वो है मैंद्रिम में। यहाँ पर मैं आपको रिजॉर्ट में अपने अपने कॉटेज का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत शानदार है। तो चलिए एंट्री करते हैं। ये है बेसिकली ओवरऑल एक कॉटेज, यहाँ पर आप व्यू देख लीजिए। इसी टाइप का सारा कॉटेज है, ये हो गया, चाहे कि यहाँ पे बगल में हो गया, सारा कॉटेज लगभग एक ही टाइप का है। ठीक है, आइए अब अंदर का व्यू देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक छोटा सा बालकनी टाइप का, जहाँ पर बैठ के अपना शाम में, सुबह में चाय नाश्ता जिसको करना है बैठ के गपशप करो। इंटीरियर का आप देखिए क्या लुक है। ये जो बना हुआ है ना, वो बेसिकली वुडन का बना हुआ है। तो यहाँ से हमने करने हैं कर्टन को साइड और करनी है एंट्री। ये देखिए ओवरऑल लुक अनबिलीवेबल, दिस इज सो क्यूट। पहली बार मैं बोल सकता हूँ कि ये रूम बहुत ही मुझे क्यूट लगा। ये खूबसूरत नहीं, ये क्यूट के कैटेगरी में आ रहा है। वैसा खूबसूरती जो कि मन को मोह ले। वेल, सो ये है इसका बेडरूम। डबल बेड है, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ इसीलिए डबल बेडरूम है। और यहाँ पे दिया हुआ है बेड लाइट, एसी है जो कि काफ़ी फर्स्ट क्लास है। और यहाँ से भी व्यू आप देख सकते हैं, इस तरीके का इसका व्यू है। और फैन है जो चल रहा है बहुत बेहतरीन। ये एक टीवी है, और यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए है, और यहाँ पे खाने वगैरह रखने के लिए, बहुत बढ़िया लगा। और ये हो गया मिरर और ये हो गया इसका, देखिए अलमीरा, जहाँ पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं। और ये क्या है, ये बेसिकली छोटा सा फ्रिज है। चूँकि ये गोवा है, गोवा में छोटा छोटा फ्रिज हर मैंने होटलों में देखा है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे लोग जो भी आते हैं, ज़्यादातर जो पीने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके का बनाया गया है। ओवरऑल लुक की जो मैं बात करूं, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। मतलब ये रिजॉर्ट होता है, इसको रिजॉर्ट बोलते हैं, मतलब गजब का वाइब है। आते के साथ मन खुश हो गया, मुझे लगा अब तो रहना ही चाहिए यहीं पे, जबकि हम लोग का बाहर जाने का कहीं प्लान है। लेकिन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम, कमाल का वॉशरूम। ये है इसका वॉशरूम, वॉशरूम के पास में बहुत बढ़िया इन लोगों ने दिया है पैर पोछने के लिए भी। बहुत सारे होटलों में मैंने देखा है ये चीज़ मिसिंग रहता है। ये है इनका बाथ, ये अच्छा किया है इस तरीके का ग्लास का डिवाइडर लगा के। इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल होता है शावर वगैरह सब परफेक्ट है। सबसे बड़ा परफेक्ट तो मुझे लुक ही लग रहा है, आप ऊपर से नीचे का देख लो, गजब। एंड ये हो गया यहाँ का वॉशरूम, कितना क्लीन है। ये लग रहा है कि हाँ रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट का जो वाइब है वो दे रहा है। ये खूबसूरत सा वॉश बेसिन है, वाह सुपर। इस रिजॉर्ट के रेटिंग की मैं बात करूँ तो मैं इसको 5 स्टार का रेटिंग दूंगा। लिटरली दिस इज सो सो अमेजिंग। आज के इस ब्लॉग में बड़ा शॉर्ट में मैं इस प्रॉपर्टी का टूर कराता हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना कि मैं बिना दिखाए हुए मान ही नहीं पा रहा हूँ। रूम का ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, लेकिन बाहर के प्रॉपर्टी का भी एक बार देखना तो बनता ही है। इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत ही पसंद है। खास करके इनका जो कॉटेज कंसेप्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ये आप देखिए मेरे पीछे में, जहाँ जहाँ भी आप देख रहे होंगे लगभग सब एक ही टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये कॉटेज है हम लोग का, वो वाला है ना, एक यहाँ पे है इस टाइप का कॉटेज। में कोई भी आप कॉटेज में हम जाएंगे तो यहाँ पे आराम से पेडेस्ट्रियन टाइप का बना हुआ है, फिर एक छोटा सा बालकनी है, सारा कुछ ज़बरदस्त। और जो भी ये पेड़ पौधे हैं, ये जो ग्रीनरी है, ये इसको और भी वाइब्रेंट माहौल दे देता है, मतलब रहने में अच्छा लग रहा है। ये आप देख लो, नारियल का पेड़ है ठीक है ना। और ये आप देखिए, एक छोटा सा हट, इसको हट बोल सकते हैं आप, लेकिन
इसको हट बोलते नहीं हैं, दरअसल इसको कॉटेज ही बोलते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत एम्बियंस है ना कि मन लग गया, मुझे तो लिटरली मन लग गया। क्योंकि गोवा में मैं अभी तक जहाँ भी रुका, कहने को तो 3-स्टार होटल ही था लास्ट वाला, बट वो वाला वाइब नहीं था यार, वो चीज़ें मिसिंग थी प्रॉपर्टी में, वो ख़ास बात मुझे लगा नहीं। बल्कि इस चीज़ को लेके मैंने वहाँ पे तो बोला बोली भी कर लिया था कि भाई मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा। अच्छा, इस वाले प्रॉपर्टी के सामने में एक चीज़ और दिया हुआ है, ये खाने के लिए। यहाँ पे आप अपना आराम से आइए, बैठ के ब्रेकफास्ट डिनर जो करना करिए, या बातचीत कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसा दिया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है, मुझे तो देखते रहने को मन कर रहा। और इसके साथ जो ये ग्रीन कलर का कर्टेन लगा दिया है ना, ये अलग ही इसका मतलब लुक बना दे रहा है, अलग ही बना दे रहा है। यहाँ से इसका ओवरव्यू देखते हैं, फिर मैं आपको इधर का लेके जाऊँगा जिधर पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने का है। इस टाइप के प्रॉपर्टी देखना चाहिए इसलिए क्योंकि जनरली रिजॉर्ट में क्या होता है ये जानने को मिल गया, और यहाँ वाले में ये चीज़ मिला। रिजॉर्ट का मतलब तो कुछ ऐसा ही होता है, होना भी चाहिए चीज़ें। वेल, सो हम लोग वहाँ से आए थे और अब हम लोग यहाँ पे इस साइड एक बार जाएंगे। यहाँ पे भी एक स्पॉट दिया गया है, जैसे कोई बैठ के बातचीत कर ले कुछ भी। वैसे मैं बताऊँ रिजॉर्ट में उतना टाइम मिलता नहीं है गोवा में, सुबह में उठने के बाद हार्डली 1-2 घंटे का टाइम है, उसके बाद बीच पर भागा भागी चालू। रात में आदमी आने के बाद थक ही जाता है, तो ये कुछ आदमी कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे आदमी कर सकता है बैठ के एंजॉयमेंट, और ये भी बनाए हैं वहाँ कुछ। और इसके अलावा ये एक स्विमिंग पूल है, काफ़ी अच्छा है, कुछ लोग नहा रहे हैं। पता नहीं क्यों यार गोवा में आके स्विमिंग पूल में करना है, ऑलरेडी यहाँ पर नहाने के लिए तो आए। ये वाला विलामेंट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस विला को मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला बड़ा दिख रहा है। इसमें 1-2 ऊपर में भी है, तो इसका कॉन्सेप्ट है आई थिंक ऊपर और नीचे डबल वाला। अगर कोई 4 है, कपल है, जैसे दो कपल तो ऊपर नीचे में हो जाएगा, ऊपर नीचे में हो जाएगा, कुछ ऐसा ही लोगों ने बनाया है। बाद बाकी स्विमिंग पूल का एक बार व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, शुक्र है किसी ने कपड़े नहीं उतारे हैं, देख सकते हैं। सो ये है इसका स्विमिंग पूल, मस्त बैठ के अपना एंजॉय करो यार। स्विमिंग पूल का लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पर आप बैठ के लेट सकते हैं, थोड़ा बीच वाला मज़ा क्या मतलब बनता है, जब ऑलरेडी बीच पे यही काम करना है तो यहाँ भी लेटने कोई मतलब नहीं बनता। ये सब कुछ दिया हुआ है, नारियल का पेड़ है, मतलब बीच भाई क्रिएट करने का इन लोगों ने कोशिश किया है, जो कि बहुत ही सफल रहा है। ये लोग मैं बोलूँगा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जो भी इन लोगों ने प्लानिंग करके बनाए हैं बहुत ही बेटर है। और ये इनका किचन एरिया है, और यहाँ पे एंट्रेंस है, जो रिसेप्शन है इस का रिसेप्शन ये है। इधर अभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके अलावा मुझे बहुत ही एक ज़बरदस्त आइटम लगता है, वो है इनका एग्ज़िट पॉइंट, वो ये है। यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, और यहाँ से ये देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, यहीं से जाके हम लोग अपना स्कूटी लेंगे और फिर यहाँ से निकल लेंगे। यहीं से आप एंट्री भी कर सकते हो अगर आपका इसमें बुकिंग है तो। सो अंदर से आने के बाद डायरेक्ट व्यू इस तरीके का मिलेगा। अभी ज़रा इस साइड से हम लोग चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। यह मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और रिजॉर्ट का असली फीलिंग इसमें आया मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मुझे लगा ये रिजॉर्ट, काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब बार बार मैं शानदार, अच्छा, बढ़िया इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में है। दिस इज़ अ कूल रिजॉर्ट मैन, रियल कूल। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, शॉर्ट में प्रॉपर्टी का टूर था, मज़ा आया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।